दिल्ली के साउथ एवेन्यू कोर्ट ने बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और लालू यादव को समन भेजा है। इस पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि न्यायालय के फैसले पर टीका टिप्पणी करना उचित नहीं होता है। न्यायालय हर पहलू की जांच कर रही है, कर कोई फैसला देती है। और वही तेजस्वी के विदेश यात्रा पर जाने पर उन्होंने कहा कि अपनी यात्रा बिहार में बीच में छोड़कर विदेश जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को लगता है जनता के बीच घूमने फिरने से कोई फायदा नहीं। लगातार सर तेजस्वी और उनके परिवार आरोप पे आरोप लगा रहे थे कि बीजेपी ने फंसाने का काम किया। अब लैंड फॉर जॉब में कोर्ट ने भी मान लिया कि पर्याप्त साक्ष्य है जिसके आधार पर उन्हें संबंध दिया गया। देखिए ऐसा है, मामला माननीय न्यायालय में लंबित है और जब कोई भी मामला न्यायालय में लंबित हो तो उस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होता है। और न्यायालय कोई भी चीज सभी पक्षों को सुनकर फैसला लेती है और इस देश में न्यायिक व्यवस्था पर सबको भरोसा है, इसीलिए इस पर किसी तरह की कोई टिप्पणी उचित नहीं होगा। और दूसरा सर तेजस्वी प्रसाद यादव बीच में ही अपनी यात्रा को छोड़कर विदेश यात्रा के निकलने के लिए तैयारी कर चुके हैं, गंभीर की यात्रा का कहा ये उनका व्यक्तिगत मामला है कि यात्रा करें चाहे विदेश जाएं, उसमें कभी भी दूसरे दल को नहीं बोलना चाहिए, ये उनकी इच्छा है जहां जाएं। दुख दर्द तो जानने के लिए लोगों के लिए बीच में निकले थे अभी एक घूमने के लिए, वो सब ठीक है। अब तो आपका काम है कि कोई ना कोई टिप्पणी ले लेना, लेकिन हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। उनका अपना पार्टी चलाते हैं, अपना राजनीतिक दल चलाते हैं और उनको लगा कि घूमने फिरने से ज़्यादा फायदा नहीं है। और प्रतिपक्ष के नेता का बहुत ग्राफ गिरता जा रहा है, किसी भी नेता को ये बात समझ में आ जाती है कि अब उनका ग्राफ गिर रहा है तो विदेश घूम के आ जाएंगे राहुल गांधी के तरह, तो थोड़ा सा उनको जो है रेस्ट हो जाएंगे।